अल्लाह रहीम अल्ला माई यूट्यूब फ़ैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल एंड खुश आंदीद टू माई व्लाग कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे और तमाम बुरी बीमारियों से परेशानियों से आफात से महफूज रखें अमीन आमीन और चलिए आज के जो है व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और अभी अफ्तारी का टाइम है Yeah. <laughs> तो बस मैं भी जो है वो कुछ चीज़ें मैंने निकाल के रखी थी और ये मैंने भी हस्बैंड से पफ पेस्ट्री मंगाई थी तो वो ये वाली जो है वो लेकर आए हैं अभी देखती हूँ कि इसका क्या करना है लेकिन सबसे पहले जो है वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पिज़्ज़ा पिन व्हील्स और कबाब बाइट्स तो उसके लिए मैं जो है वो एक ही डो जो है वो बनाऊँगी उसी से जो है वो मैं ये दोनों चीज़ें यूज़ कर लूँगी मैंने दो कप मैदा ले लिया है और ये एक कप पानी में मैंने जो है वो एक टेबल जो है वो खमीर लिया है और दो टेबल उसमें शुगर डाल दी है ये नीम गरम बिल्कुल पानी लेंगे बिल्कुल भी हमें गरम पानी नहीं लेना अगर हम ज़्यादा गरम ले लेंगे तो फिर वो जो खमीर फूलेगा नहीं और ख़राब हो जाएगा इतना हो बस आप उंगली डालें तो आपको हल्का सा जो है वो गर्म महसूस हो अभी जो है वो मैंने मैदे में जो है वो दो टेबलस्पून भर के सूखा दूध डाला है और साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है अगर आपके पास सूखा दूध अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं डालें ये ऑप्शनल है और बस इन दोनों चीज़ों को जो है वो मैं मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी उसके बाद मैंने इसमें जो है वो तीन टेबल जो है वो ऑयल का भी डाला था ठीक है ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और अब इसको जो है ये खमीर वाला जो मिक्सचर है वो प्रूफ हो चुका है तो बस इसमें ऐड कर देंगे इसके अलावा मैंने इसमें कोई भी ऐड नहीं किया था यही पानी से जो है वो ये डो जो है बहुत अच्छी सी तैयार हो गई थी एक्स्ट्रा पानी जो है वो ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी बस मैं जो है वो पहले थोड़ा सा इसी में जो है वो इसको गूँध लूँगी उसके बाद जो है वो मैं काउंटर टॉप पर रख के खूब अच्छी तरह से जो है वो इस डो को इसकी डो जो है बहुत सॉफ्ट सी तैयार कर लूँगी डो जो है वो मैंने ओवन में रख दी है राइज होने के लिए और ओवन को मैं थोड़ा सा जो है वो हीट अप कर लेती हूँ हल्का सा ताकि उसमें जो है वो गर्माहट हाँ आ जाए तो इस तरह से जो है वो डो बहुत जल्दी जो है वो प्रूफ हो जाती है टाइम ज़्यादा जो है वो नहीं लगता ओवन जो है हल्का सा आप जलाएँ और चूल्हा ऑफ कर दें उसके बाद डो उसमें रख दें तो बहुत जल्दी सी जो है वो अच्छी सी डो फूल जाती है और बस अभी साथ में जो है वो मैं ये तरबूज़ भी काट के रख रही हूँ ये मेरी छोटी बेटी जो है उसके पसंदीदा है और बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे तो ये चीज़ें और अभी गर्मियाँ भी आ रही हैं और फ्रूट्स वग़ैरह जो है वो खाने की आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है तो बस ये तरबूज काट के जो है मैं इसको रैप करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि हल्का सा जो है वो ठंडा हो जाए अफ्तारी के टाइम तक मैं जो है इसको फ्रिज में ही रहने दूँगी अभी जो है वो मैं तैयारी कर रही हूँ कबाब बाइट्स के लिए कबाब बनाने की तो उसमें मैंने जो है वो दो सौ ग्राम जो है वो बीफ का कीमा ले लिया है साथ में हाफ़ प्याज़ उसको चॉप कर लिया है हरी मिर्ची ले ली है और इनको भी चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है साथ में इसमें कुछ मसाले चले जाएंगे बहुत बेसिक जो हर घर में अवेलेबल होते हैं तो नमक जाएगा इसमें हंसब ज़रूरत और साथ में मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर ये मैंने जो है हाफ हाफ़ टी स्पून तमाम मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं रेड चिली पाउडर डाला है ये थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है धनिया पाउडर डाला है ये सब हाफ हाफ़ जो है वो मैं टी स्पून इसमें डालती चली जा रही हूँ और ब्लैक पेपर भी इसमें ऐड कर दी है बस थोड़ा सा इसमें मैं जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है तकरीबन एक टी के करीब मैंने डाला था और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से जो है हम कीमे में मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए जो है सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे ये जो है मैंने बैटर तैयार करके रखा है दही बड़ों के लिए और ये मैंने की दाल के बनाए हैं इसकी रेसिपी जो है वो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी जब मैंने रमज़ान की प्रिपरेशंस की जो है वो वीडियो बनाई थी उसमें ही मैंने ये रेसिपी भी बनाई थी उस वक्त मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था और अब आके जो है वो फिनिश हो चुके हैं तो मैं ताज़े दोबारा से बना रही हूँ और उनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे हम जितना अच्छा फेंटेंगे उतने ही जो है वो अच्छे बड़े तैयार होंगे और उसमें जो है वो गुटली भी नहीं बनेगी तो बस अभी साथ साथ जो है वो कबाब भी जो है वो फ्राई होने के लिए रख रही हूँ ताकि जो है वो टाइम जो है वो सेव हो जाए ऑयल आपने देखा होगा मैंने अभी डीप फ्राई के लिए जो है वो ऑयल भी रख दिया है और साथ ही जो है वो मैंने कबाब भी फ्राई करना जो है वो शुरू कर दी हैं तो चलिए बनाते हैं जल्दी जल्दी से कबाब फिर जो है वो बड़े भी जो है वो फ्राई कर लेंगे दही बड़ों के जो है वो बड़े तैयार हो गए थे मैंने जो है वो उनको पानी में डाल दिया है और साथ ही ये पफ पेस्ट्री जो है वो इस तरह से मैंने जो है उसको बेल लिया है और स्क्वायर शेप में मैं काट लूँगी ये मैंने कभी पहले जो है इस तरह की पफ़ पेस्ट्री यूज़ नहीं की अब आ गई थी तो मैंने कहा चलो इसमें भी जो है वो ट्राई कर लेते हैं और मैं इनको जो है वो बिल्कुल पफ पेस्ट्री जितनी आती है उतने ही पीस काट रही हूँ स्क्वायर स्क्वायर में और मैं इनको पूरा नहीं बनाऊँगी मैं बीच में से जो है वो ट्राइंगल शेप काट लूँगी उस ज़्यादा जो है वो अच्छा रहता है ईजी रहते हैं खाने में भी जो है वो आसानी होती है छोटे छोटे से जो है वो पफ पेस्ट्री जो है वो तैयार हो जाती है थोड़ी सी जो है वो मैं चीज़ के बना रही हूँ और मैं थोड़े से साथ में जो है वो चॉकलेट की भी बनाऊंगी क्योंकि मैं जो है वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाती लवर नहीं हूँ बिल्कुल भी चीज़ की तो मुझे जो है चॉकलेट के पसंद हैं तो मैं अपने लिए थोड़े से जो है वो दो से तीन चॉकलेट के भी बना लूँगी और जो है वो चीज़ के भी तैयार हो चुके हैं बस इन्हें हम हम ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए साथ ही जो है ये डो देखें आप अच्छी सी जो है वो सॉफ्ट सी बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो इसे मैंने दो हिस्सों में जो है वो तकसीम कर लिया है थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी कि ये जो है वो और थोड़ी सी जो है वो सेट हो जाए उसके बाद जो है हम इसको बेलना स्टार्ट कर देंगे और ये मैं बनाने की जो है वो बना रही हूँ पिन व्हील तो उसके लिए मैं जो है वो बिल्कुल गोल रोटी जो है वो एक बेल लूँगी और इसमें सिंपल सा जो है मैंने सॉस वगैरह कोई भी तैयार नहीं किया बस मैं इसमें थोड़ा केचप लगाऊंगी उसके साथ जो है थोड़ा सा इसमें चला जाएगा और और थाइम तो हमारा जो है वो थोड़ा सा इसमें टेस्ट आ जाएगा पिज़्ज़ा का और पिज़्ज़ा सॉस की तो बात अलग होती है लेकिन मैंने अभी जो है वो जल्दी जल्दी मैं बना रही थी तो मैंने इसमें जो है वो पिज़्ज़ा सॉस नहीं बनाया साथ ही मैंने इसके ऊपर जो है वो कीमा मैंने समोसों का बना के रखा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और साथ ही जो है वो शिमला मिर्चें क्यूब्स में कट करके जो है वो ऐड कर दी हैं साथ ही जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी मोजरेला चीज़ और इनको जो है वो रोल कर देंगे तो हमारे झटपट से जो है वो पिज़्ज़ा पीज़ा पिन व्हील जो है वो तैयार हो जाएंगे और ये मैं पहली बार बना रही हूँ तो लेट्स सी कैसे बनते बन हैं बन जिस तरह हम सिनेमन रोल बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये मुझे तो लग रहा था कि जैसे मैं वही बना रही हूँ बिल्कुल और ये इनको कट करते जाएंगे और ओवन पहले से ऑन है जो उसमें पफ पेस्ट्री तैयार हो रही है तो इनको भी बेक करने रख देंगे साथ में जो मैंने दूसरा पेड़ा जो बना के रखा था उसको भी मैंने बेल लिया है और इसको जो है वो मैंने चौड़ी चौड़ी सी जो है वो स्ट्रिप्स काट ली हैं बिल्कुल ये साइज़ जो है वो सही रहेगा तो एक कबाब लेंगे हम और यहाँ पे जो है वो रख देंगे इसको रोल करेंगे कि दो दफ़ा जो है बस ये रोल होगा तो इसको कट कर देंगे इतना ही इसके ऊपर जो है वो रोल होना ही बस इतना ही काफ़ी रहेगा एक दफ़ा और बना के आपको दिखा देती हूँ ये देखिए बस ये दो दफ़ा जो रोल हुआ उसके बाद इसको कट कर दिया इस तरीके से जो है वो मैंने ये सारे पिज़्ज़ा बाइट जो है वो तैयार कर लिए हैं और इसके ऊपर जो है वो मैंने पानी में कलर मिलाया है थोड़ा सा वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी और अगर आपके पास क्लौजी है या जो तिल होते हैं वो जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर लगा लें बस इसे लगाएँगे और ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए दही बड़े जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं और दही में मैंने चीनी और थोड़ा सा नमक डाला था बस अब ऊपर से जो है वो चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ और ऊपर से इमली की चटनी बस ये हमारी जो है वो आज की अफ्तार की टेबल बिल्कुल सेट हो चुकी है और अभी आप पिन व्हील जो है वो आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर से ज़्यादा रेड हो चुके हैं तो मैं जो है वो साथ में कुछ चीज़ें जो है वो रेडी कर रही थी इनकी हीट थोड़ी ज़्यादा हो गई खैर कोई बात नहीं चल जाता है हो जाता है कभी कभी ऐसा लेकिन मज़े में बहुत अच्छे बने थे और ये भी कबाब बाइट्स भी बहुत मज़े की बनी थी और कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा आया है तो बस अभी हम लोग जो है वो करते हैं अपनी अफतारी और मिलती हूँ आपसे अफतारी के बाद अफतारी हमारी हो चुकी है अलहद कंप्लीट और उसके बाद पारी आ जाती है बर्तन धोने की और बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं अफ्तारी के बाद तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी से जो है वो सबसे पहले काम जो है वो किचन ही को जो है वो क्लीन कर लूँ उसके बाद जो है वो घर की सफ़ाई कर लूँ तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग अफ्तारी के बाद जो है सबसे पहला काम क्या करते हैं घर की सफ़ाई करते हैं या किचन क्लीन करते हैं मैं तो सबसे पहले जो है अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद ही जो है वो दूसरे घर के काम करती हूँ तो बस किचन जो है वो अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है और बस अभी आप देख सकते हैं कि ये देखिए किचन बिल्कुल क्लीन है और दिल भी जो है बिल्कुल खुश हो जाता है जब किचन साफ़ हो उसके बाद जो है वो घर की सफाई वगैरह कर ली तरावियों के बाद जो है अब पारी आती है थोड़ा सा रिलैक्स करने की और मैंने बना लिया है अपने लिए एक कप जो है वो चाय का साथ में जो है वो मैं लगा ली है थोड़ी सी नाते मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा सा जब रिलैक्स करे तो इंसान नात लगाए और बैठ के जो है वो चाय इंजॉय करे और जो है वो बस इसके साथ में ये भी जो है वो खा लूँगी थोड़ी सी जो मैंने चॉकलेट के बनाए थे ये मैंने चाय के लिए ही जो है वो बना के रखे थे बस अभी जो है मैं ये नाते सुनती हूँ रिलैक्स फील करती हूँ चाय पीती हूँ और आप लोगों से ले लेती हूँ यहीं पे इजाज़त अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दिएगा शेयर भी कर दिएगा और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा ज़िंदगी रही तो फिर मिलूंगी किसी और ब्लॉग में जब तक के लिए दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़